कैमरे बंद है सबके, जितने भी कैमरे हैं जिसके भी, सब जो है स्टार्ट कीजिए, ओपन कीजिए कैमरे, ऐसे मत रखिए, क्योंकि पता नहीं चलेगा कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। बहुत सारे कैमरे बंद है, ऑन कीजिए अपने कैमरे। और जिसका हैवी वेट है वो ज्यादा नहीं है, जितना हो इतना ही करना है, और मैं काउंट करती हूँ। ओके, मैं दिख रही हूं ना सबको? हाँ, एक, दो, तीन, चार, पांच। एक, थोड़ा होल्ड करके रखने का। दो, तीन, चार, पांच। तीन, चार, पांच। अभी करेंगे हम लोग, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस। वेरी गुड, रुकना नहीं है, करते रहना है। ओके, अभी थोड़ा सा हम स्पीड में जाएंगे। अभी हमारी बॉडी अच्छे से वार्म अप हो गई है। ओके, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात,
14, 15, रुकना नहीं है।
पति ना आया है तो पोछ लीजिए। चार पांच
सात आठ नौ दस, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस। वेरी गुड। एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस। वेरी गुड। ऐसे रखना है, ऐसे बैलेंस बनाना है। दूसरी साफ करेंगे, 10 बार साफ करना है, होल्ड करना है। कमर के लिए बहुत अच्छा है ये। स्ट्रेचिंग करनी है पैर की, जितना आप खोल सकते हो उतना खोलना, धीरे धीरे खुलेगी। ओके जितना खोल सकते हो इतना खोलना, जबरदस्ती नहीं करना है, और थोड़ा होल्ड करके रखना है। एक दो चार पाँच छः सात आठ नौ दस। धीरे धीरे वापस आइए, धीरे धीरे वापस आइए। अपने हाथ आगे रखने हैं और साइड में पैर लेके जाना है, ऐसे अपनी स्ट्रेचिंग होगी पैर की। ऐसे रखना है, दोनों हाथ होल्ड करना है। एक दो तीन चार पाँच, दूसरी तरफ जाना है, पैर सीधा रखना है आगे की साइड में। एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच। धीरे धीरे वापस आना है, अपने पैर के जो पंजे हैं उनको पकड़ के रखना है ऐसे, और पैर को एकदम सीधा रखना है। होल्ड कीजिए 10 बार गिनती हूँ। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। वेरी गुड। वापस आइए। इसको क्रैम्प वगैरह आते हैं ना, उसके लिए बहुत अच्छी है ये। अभी और एक बार हम पोजिशन में आइए। सबसे ज्यादा कैलरी बर्न होती है इसमें, और जिसका हैवी वेट है वो 2 बार एक्सरसाइज करना, एक बार सुबह और एक बार शाम को, उससे कर सकते हो आप। ओके, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस। वेरी गुड। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह। और जिसका हैवी वेट है उसके लिए सबसे अच्छी है ये वाली, क्योंकि वो ज्यादा नहीं कर सकते। ऐसे करेंगे ना अपना बेनी फैट जाएगा ये। ओके एक दो तीन चार पाँच छ
सात आठ नौ दस, वेरी गुड। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह। वेरी गुड। अभी नीचे आइए, नीचे आ जाइए। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। पैर के ऊपर आइए, सीधे बैठ जाइए। पसीना आया है तो पसीना पोंछ लीजिए। स्किन को घिसना नहीं है, एकदम अच्छे से पोंछना है, क्योंकि तो हमारी स्किन एकदम अभी अपने जो छिद्र रहते हैं ना वो खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, तो धीरे धीरे करना है। पोजीशन चेंज कीजिए। एक चार पांच छह सात आठ नौ दस, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस। रिलैक्स, रिलैक्स कीजिए। सांस ले जी, थोड़ा सांस लीजिए। ओके, आगे हाथ रखना है, दोनों पंजों के ऊपर आना है, पीछे जाना है, होल्ड करना है। एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच। एक बार और करेंगे, एक दो तीन चार पाँच। वेरी गुड।
वेरी गुड। अभी घुटनों पे आना है, घुटने के ऊपर आना है, जिसका हैवी वेट है वो भी कर सकता है। पीछे लाना है वो, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस। वेरी गुड। अभी दोनों हाथ ऐसे रखने हैं नीचे और एकदम अपने आप को फ्लैट करना है, ऐसे अपने कोहनी के ऊपर आना है। जिसका हैवी वेट है वो मत कीजिएगा, जिसका हैवी वेट है वो ऐसे करना, ऐसे जिसका हैवी वेट है ऐसे कीजिए ऐसे, और जिसका अभी कम हुआ है वो कोहनी के ऊपर आइए अपनी और थोड़ा होल्ड कीजिएगा ऐसे। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह। रेस्ट कीजिए, आगे हाथ रखिए। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह। आप अगर ऐसे करते हो ये वाला, इससे आपके जो मसल है, हम जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो बहुत अच्छा इफेक्ट है, ये अपने मसल बनते हैं इससे। ओके, साइड में हाथ लीजिए और पीछे जाना है। एक दो तीन पांच। जिसको कमर का दर्द है ना उसके लिए बहुत अच्छा है ये। ओके, अभी हम लोग साइड में आते हैं, इसमें हो जाइए एकदम सीधा, ऊपर पैर लेना है। एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस। दूसरी साइड से करना है। एक तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस। वेरी गुड वेरी गुड। अभी घुटने के ऊपर आ जाइए, ऐसे बैठ जाइए, अपने दोनों हाथ है उसकी मुट्ठी बनाइए ऐसे, और जो अपना साधु पिंड रहता है उसके ऊपर जोर से दबा के मुंडी ऊपर रखनी है। ओके, 10 बार काउंट करेंगे। एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस। रिलैक्स, एक बार फिर करेंगे, इससे हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। अभी कभी किसी से नहीं होता ना ऐसे, तो आप ऐसे जैसे हैवी वेट है नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे करना है, ऐसे मांडी डालनी है और अपने पेट के ऊपर ऐसे करना है और आगे ऐसे झुकना है ऐसे। जिसका हैवी वेट है वो ऐसे कर सकता है, जरूरी नहीं है घुटने के ऊपर आपको आना है। ओके, ऐसे आ जाइए पोजिशन में और अपने हाथों को पीछे लीजिए ऐसे। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह
14 15 रिलैक्स, दोनों पैर आगे लेना है और ये पंजे अपनी तरफ खींचने हैं। पैरों को एकदम सीधा टाइट रखना है। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10। अभी ये लेफ्ट पैर जो है उसको खड़ा करना है और पूरा टर्न मारना है जितना आप कर सकते हो। दूसरा आप इधर साइड में लेना है। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10। अभी दूसरे पैर को करते हैं। पूरा टर्न लेना है। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10। वेरी गुड वेरी गुड। दोनों पैर आपस ऐसे लीजिए, नजदीक लीजिए, कैंची बनाइए ऐसे और अपने घुटने में सर रखने की कोशिश कीजिए। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10। रिलैक्स रिलैक्स। पसीना आया है वो पसीना पोंछ लीजिए। दोनों हाथ अपनी पीठ के नीचे रखिए। इधर पेट के लिए जिसको पेट कम करना है ये पेट की एक्सरसाइज है। जमीन में बिना छुए अपने को नीचे जाना है और बिना छुए ऊपर आना है। ओके धीरे धीरे जाना है। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स रिलैक्स कीजिए रिलैक्स कीजिए। दोनों पैर इकट्ठा करना है और अपने हाथ साइड में लेना है। ओके और अपने आप को बीच में से उठाना है। जितना आप उठा सकते हो इतना उठाइए और 10 बार तब तक मैं काउंट करती हूँ होल्ड करके रखना। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10। रिलैक्स धीरे धीरे नीचे आइए धीरे धीरे नीचे आइए। एक बार और करेंगे हम। इसको बैक पेन है, बैक में जो है पेन रहता है उसके लिए बहुत अच्छा, धीरे धीरे करना है। अब एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10। रिलैक्स धीरे धीरे नीचे आइए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। दोनों दोनों पैर ऐसे कीजिए, उन्हें की कोशिश कीजिए। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10। वेरी गुड। एक दो तीन आठ नौ वेरी गुड। देख जाइए
अपनी गर्दन के नीचे दोनों हाथ रखिए, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह। रिलैक्स कीजिए। एक मुरकुट आसन है जिनकी बैक में बहुत ज्यादा दर्द होता है, इसकी डिस्क में प्रॉब्लम रहती है, एकदम सीधा लेटना है। ये जो पैर है ये अपोजिट में करना है और हाथ अपोजिट में करना है, और दस दस तक गिनने तक आप जो है ना होल्ड करके रखना। ओके, पूरा पैर घुमाना है इधर ऐसे, पूरा जितना जिसका घूमे इतना करना है, हाथ अपोजिट में करना है लेफ्ट वाला, और मुंडी भी लेफ्ट वाला इधर ही करनी है। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस। रिलैक्स, धीरे धीरे वापस आना है, धीरे 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 वापस आना है। अभी हम दूसरी तरफ से करेंगे। हाथ सीधा रखना है, ये वाली पैर को पीछे ऐसे लेके जाना है, तन मारना है, पैर एकदम सीधा होना चाहिए, इसमें से जमीन को छूने की कोशिश करना और रुकना 10 बार गिनने तक। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस। रिलैक्स, धीरे धीरे वापस आइए, धीरे धीरे वापस आइए। वेरी गुड, वेरी गुड। दोनों हाथ सर के नीचे रखिए, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह। वेरी गुड, वेरी गुड। दोनों पैर ऊपर लीजिए, एकदम सीधे करिए, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह। वेरी गुड। बैठ जाइए, जो कर सकता है वो ही करना है, जिसको नहीं होगा वो मत करना। ओके, दोनों पैर पे आना है और पीछे जाना है। ओके, जिनका हैवी वेट है वो मत करना, वो धीरे धीरे पैर का करना, बैठ के अनुलोम विलोम करना, पीछे जाना है, धीरे धीरे पीछे जाना। पैर की अच्छे से स्ट्रेचिंग करनी है, जितना खोल सकते हो उतना खोलिए अपने पैर। मैं दिख रही हूं ना, हाँ, पैर अच्छे से, और ये पैर पकड़ो और
ऐसे करना है, क्रॉस करना है 10 तक। एक, खींच कर रखिए अपनी बॉडी को अच्छे से, आगे खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। दूसरे पैर की तरफ करना है, खींचिए अपनी बॉडी को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी हमें आगे जाना है, जिसको क्रैम्प आते हैं, बोलते हैं ना कि मुझे क्रैम्प आते हैं, उनके लिए मैं सबसे अच्छा बताती हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे भी थी, और जब से मैंने ये स्टार्ट किया है तब से नहीं आते। पूरा पैर अपना स्ट्रेचिंग कीजिए और अपने जो हाथ है वो थोड़ा सा आगे लेके जाइए, जितना आप कर सकते हैं इतना करना है ऐसे, और अपना देखना पैरों के ऊपर कैसे अपना वो आती है, खिंचाव आता है, अच्छे से स्ट्रेचिंग होती है अपने पैरों की। एक, जितना आप आगे जा सकते हो उतना, जोर नहीं डालना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाइए, धीरे धीरे वापस आइए, रिलैक्स कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अपने सूट उतार दीजिए, नीचे हटा लिए और हाथ में कीजिए, 1 2 3 4, जमीन को छूने की कोशिश करना, 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। 1 2 3 4 5, थोड़ा आगे लीजिए पैर अपने, और दोनों हाथों की कैसी बनाइए और छूने की कोशिश करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी वेरी, थोड़ा अपने पेट का करेंगे, हमारे पास में 5 ही मिनट है, क्योंकि ट्रेनिंग भी है बहुत सारे लोगों के, आज टीम बिल्डिंग की ट्रेनिंग है, जिसने क्वालिफाई किया है वो ज्वाइन करना, अभी थोड़ा सा जो है ना आलो ये करेंगे हम कपाल भारती। लेफ्ट जो रहता है उसमें से सांस लेना है, राइट में छोड़ना है, राइट में से लेना है, लेफ्ट से सांस लेना, 3 बार करेंगे। और मैं एक और बताना चाहती हूँ, जिसको माइग्रेन का प्रॉब्लम है या कोई अपनी जो ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है और सर दुखता है या फिर चीटी जैसा चलता है, उसके लिए है 1/2 घंटा डेली कीजिए, पूरा जो भी प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि तो बहुत सारे लोग थे ऐसे जिनका मैंने कराया है। ओके, और आप खड़े हो जाइए, अभी स्ट्रेचिंग करते हैं।
4 5 ये पूरा पैर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 अगर किसी का नहीं होता तो दीवार का सहारा ले सकते हो आप। ओके पैर पीछे की तरफ लेना है, बैलेंस बनाइए 1 2 3 4 5 अच्छे से खींचना है पैर को। ओके अच्छे से खींचना है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 वेरी गुड। अभी अपने को सामने सीधी नजर रखनी है, ये पैर अपना घुटने पर नहीं रखना है, ऊपर थाई के ऊपर रखना है ऐसे, और ऊपर जाना है, खींचना है पूरा बॉडी को ऐसे ऐसे। अंगूठा अंगूठे में फंसाइए ऐसे, किसी दो आगे की दो उंगली और खींचना है बॉडी को 1 2 3 4 5 वेरी गुड वेरी गुड। दूसरा पैर करना है तो जरूरत करेंगे ना तो प्रैक्टिस होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा सा पैर के आपने घुटने उसका करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 रिलैक्स रिलैक्स हो जाइए और नीचे बैठ जाइए। वेरी गुड वेरी गुड बहुत अच्छा, अपने लिए ताली बजाइए क्योंकि आप लोगों ने बहुत सुंदर तरीके